हेलो दोस्तों, मैंने अभी लेके आया सैमसंग A50। तो यहाँ पे देखो, मैंने इसका आधा काम करके छोड़ दिया। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मुझे लगा था इसका नेटवर्क ऐसे ख़राब है बोल के मैंने इसका वीडियो शुरू से नहीं लिया, क्योंकि इसके बारे में मेरा बहुत सारे वीडियो है नेटवर्क ऐसे के ऊपर में। ठीक है, ये शॉर्ट हो जाता है, इसके वजह से सेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दूसरा केस आ गया। यहाँ पे देखो, नेटवर्क ऐसे मैंने निकल दिया, फिर भी इसमें शॉर्ट है, हाफ शॉर्ट है। तो अभी आपको दिखाएगा मीटर में, यहाँ पे देखो कितना रेटिंग आ रहा है इसमें। इसमें लगभग 300 का ऊपर में थोड़ा रेटिंग आ रहा है, लेकिन सेट ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा इसका केस इसी तरह केस में ज़्यादातर नेटवर्क ऐसे ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 300 का आसपास में इसका रेटिंग आ रहा है, और पावर एसी का आसपास में जितने भी सारे कैपेसिटर हैं कहीं पर भी फुल शॉट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा केस मुझे अभी तक नहीं मिला है, तो इसलिए सोचा कि नहीं, जो भी किया है लेकिन पूरा वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने चार्जिंग आईसी का यहाँ पे भी टीना काट के रख दिया पहले ही। मुझे यहाँ पे एक कैपेसिटर फुल शॉट मिला। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको अभी दिखाएगा, ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर फुल शॉट मिला मुझे। और मैं नेटवर्क ऐसे निकल के चेक किया, पावर ऐसी का आसपास में जो भी कैपेसिटर है हर एक कैपेसिटर को चेक किया, कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं मिला मुझे। सिर्फ यहाँ पे जो कैपेसिटर है आपको दिखाया अभी, यहाँ पे देखो मीटर में फुल शॉट। इस तरह का केस पहली बार आया है, तो मैंने सोचा नहीं इसका भी एक वीडियो बना दो। ठीक है, तो अभी हम लोग इस कैपेसिटर को रिमूव करके चेक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो मैंने कैपेसिटर को रिमूव कर दिया, अब चेक करते हैं अभी भी शॉर्ट है क्या नहीं। और मैंने पहले इस कैपेसिटर को नहीं निकाला था। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी शॉर्ट थोड़ा सा भी नहीं है। अभी कैपेसिटर पे देखते हैं कितना शॉर्ट, फुल शॉर्ट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के वजह से ये सेट ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से देखो, और ये कैपेसिटर मैंने पहले रिमूव नहीं किया था, अभी जो रिमूव किया है ये लाइव है। ठीक है, तो नेटवर्क ऐसी प्रॉब्लम नहीं था इसमें, इसमें चार्जिंग ऐसे का पास में जो कैपेसिटर रिमूव किया है वहीं से प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कितना शॉर्ट, अभी थोड़ा सा भी शॉर्ट नहीं है। पहले यहाँ पे 300 का आसपास में रेटिंग आ रहा था। ठीक है, तो जो नेटवर्क ऐसे मैंने निकल दिया है, अभी उसको दोबारा लगाएगा। लगाने के बाद चेक करते हैं, देखते हैं ये मेरा काम सक्सेस हुआ कि नहीं। इस तरह का केस बहुत ही कम मिलता है, मैंने देखा ज़्यादातर सैमसंग A50 में 90% ही नेटवर्क ऐसे ही शॉर्ट हो जाता है डेड कंडीशन में। तो इसलिए मैंने पहले ही बिना कुछ सोचे ही डायरेक्ट नेटवर्क ऐसे को ही निकल दिया था, फिर भी वहाँ पे हाफ शॉर्ट था तो मुझे डाउट होने लगा। फिर पावर एसी का टीना निकल दिया, वहाँ पे भी चेक किया, नेटवर्क एसी सही सलामत लग गया, कहीं पे भी शॉर्ट नहीं है। तो पावर एसी का आसपास में भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर चार्जिंग एसी का यहाँ पे आके देखा, एक कैपेसिटर फुल शॉर्ट। तो दोस्तों, इस फ़ोन का बैटरी बिल्कुल ज़ीरो है। अगर बैटरी ज़ीरो होता है तो आपको बैटरी रिमूव करके डायरेक्ट चार्जर लगाना चाहिए, उसके बाद बैटरी को बैठाना चाहिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक चार्ज लेने लगेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लेने लगेगा। तो मैंने चार्जर लगाया, फिर बैटरी कनेक्टर जोड़ दिया यहाँ पे। तो अभी देखते हैं कितना देर में चार्ज होता है, तब तक थोड़ा देर के लिए वीडियो को हम लोग कट करेंगे, थोड़ा सा पॉज करेंगे। ठीक है, 4-5 मिनट बाद में चेक करते हैं कितना चार्ज होता है यहाँ पे। तो हो गया मेरा यहाँ पे लगभग 5 मिनट, अभी चेक करते देखते हैं कितना हो गया चार्ज। यहाँ पे देखो 3% हो गया। ठीक है,
तो इसी तरह अगर आपका भी बैटरी जीरो हो जाए तो इसी तरह आप लोग चार्ज कर सकता है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक कैपेसिटर को रिमूव किया है, ठीक है। इस डेड कंडीशन को ठीक करने के लिए सिर्फ एक कैपेसिटर को मैंने रिमूव किया है। वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को थोड़ा सा भी, तो मेरा इस चैनल को लाइक शेयर और